एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वैसे तो बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस पूरे हफ्ते कंसोलिडेट किया है, बट इस पूरे हफ्ते हर 4 दिन हमने देखा है कि वो आखिरी आधे घंटे में एक्शन आपका पॉजिटिव ही हो जाता है, बाजार रिकवर ही करते हैं। अब रिकवर करके पॉजिटिव बंद हो नेगेटिव बंद हो वो अलग बात है, बट रिकवर करके बंद होते हैं, ये क्या हो रहा है? है ना, वो ऐसा वाला हाँ, मूव एंड में वो बनता ही है, यू रोज, यू हाँ आपका बनता है। बंसल वाला राउंडिंग बॉटम बनता है ये ना, हंड्रेड हाँ, परसेंट है ना। एग्जैक्ट। तो खुलेगा मौजूद, हाँ वापस बंद होते हो यस तो वो वैसे ही मामला बन रहा है। देखो मैं तो हमेशा दीप 9:15 बजे काम खुलता है, उससे 3:30 बजे काम बंद होता है, उसकी मेरे लिए हर बहुत बार इंपॉर्टेंस है, यस हमेशा से कहता आया हूँ। और यस इसलिए कहता आया हूँ कि 9:15 बजे आप कुछ भी सोच के उतरे मैदान में, आपके पास पूरा टाइम है, 3:30 बजे तक आप अपनी गलती सुधार सकते हैं कि आपने तेजी सोची, मंदी हो गई, स्टॉप लॉस लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, व्हाटएवर, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। लेकिन 3:30 बजे जब बाजार बंद हो रहा है तो आपको अगले दिन 9:15 बजे क्या खुलेगा उसका एक जजमेंट लेना होता है, और उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन बनाते हैं या खत्म करते हैं। और ऐसे में अगर हमेशा आप आखिरी आधे 1 घंटे में रिकवरी दे रहे हैं, दिन में थोड़ी ऊपर की तरफ, दिन के निचले हिस्सों के बजाय थोड़ा बेहतर बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर क्लियर है कि आप अगले दिन को लेकर थोड़ा पॉजिटिव हैं, नहीं तो क्यों खरीदेंगे, है करेक्ट ना। अब करेक्ट जैसा कल भी 3:20 पे, आजकल 2-3 दिन से 3:20 पे हम क्या करें, कुछ नहीं करना कुछ ज्यादा। नहीं करना है। आप देखो आज फिर SGX निफ्टी 5 पॉइंट, सो वो हो ही रहा है। सो अनलेस एंटिल इसी मैं ओवरनाइट रिस्क तब लूंगा तेजी या मंदी की, जब मुझे एक गैप मिले, राइट नहीं तो फिर तो नेक्स्ट डे कर लेंगे ना शुरू उधर। एग्जैक्टली मौका मिल जाएगा। रात भर के लिए क्यों आपको पोजीशन रखना है, मार्जिन देना है, सोचते रहना है, जागते हुए SGX देखो और डाउ देखो और क्या हो रहा, और देखो तो ठीक है, होता भी नहीं कुछ, करेक्ट। देख के होता हो तो आप थोड़ा सोचे भी। हाँ, एग्जैक्टली तो अगर उतना ही कंफ्यूज रहना है देख के भी, और उतना ही कंफ्यूज रहना है बिना देखे बिना भी, देखे भी तो तो फिर बेहतर है कि फिर आप नेक्स्ट डे एक्शन लो। बढ़िया चीज क्या है दीप इस मार्केट की, जी सबसे बढ़िया चीज है कि मार्केट हर रोज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुक रहा है, और हर रोज ऊपर की रुकावट के लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है। तो रेंज भले ही छोटी है लेकिन लेवल को पूरा रेस्पेक्ट कर रहा है, तो लेवल के हिसाब से मार्केट चल रहा है, इसलिए इस मार्केट से कोई कृपया करके कंप्लेन ना करें, परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट जिस है। दिन ब्रेकआउट देना होगा ऊपर या नीचे का आपको मिल जाएगा, एक दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा उस दिन हो जाएगा, बाकी दिन आप सिंगल्स लेते रहो, सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट के लेवल पर दीजिए, क्लियर। सपोर्ट पे लीजिए, रुकावट पे दीजिए, ठीक है बस सर। उसमें भी पैसे नहीं बन रहे ना लोगों के, प्रॉब्लम ये टारगेट ना तो एक्चुअली अपसाइड वाला आ रहा है ना डाउनसाइड वाला आ रहा है। हाँ, वो है ना ऑप्शंस में मुश्किल हो रही है, क्योंकि मुश्किल हो ऑप्शंस में रही है। प्रीमियम जो जिस तरह से चली जाती है ना एग्जैक्टली। वो थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई खास दिक्कत वाली बात कोई नहीं, खास ठीक है। तो दिक्कत और नहीं है तो कोई जरूरी है, तो ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर लेना ज्यादा ठीक है बजाय ऑप्शन के, क्योंकि राइट फ्यूचर्स में 25-50 पॉइंट आपको निफ्टी में मिलना, 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलना, मिल जाते हैं। माफ कीजिएगा, ज्यादा आसान है। ऑप्शंस में प्रीमियम बढ़ जाती है आपकी, और दूसरा एक बड़ा मूवमेंट है नहीं, यस इतनी वॉलेटिलिटी है नहीं, तो आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्क भी नहीं है। फ्यूचर्स में रिस्क तब होती है जबकि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, दिन में करेक्ट 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए, बैंक निफ्टी 500-600 हो जाए, तो रिस्क ज्यादा है। जब आपको पता है मूवमेंट ही 100 पॉइंट का ही होना है, तो फिर आप फ्यूचर्स करके 25 पॉइंट बनाना आसान है, राइट ऑप्शंस में 25 पॉइंट बनाना ज्यादा मुश्किल ज्यादा है। मुश्किल है, ठीक है।